A lot of people defend this. तो भाई साहब बिहार और नेपाल में यही अंतर है। Where is the best पानी पूरी you eat in India? एक तरफ मुझे कहीं जापान लग रहा है, एक तरफ कहीं मुझे यूरोप लग रहा है, एक तरफ कहीं मुझे गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं नेपाल में, टेक्निकली मेरा पहला दिन है। सो कल मैं आया था और कल यू नो परसों कल रात की मैं सोया नहीं था, तो कल थोड़ा सा मैं सही से ढंग से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। आज मैं पहली बार निकला हूँ। क्या हाल भाई, ठीक है? सब कुछ ठीक है। वेल तो चलो हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पर सेंटर की तरफ, दरबार। वहाँ काफ़ी फेमस है, तो मेरे को लगता है भाई सेंटर है, पता नहीं आप में से कई अगर कई लोग नेपाल से देख रहे हो तो क्या करना मुझे कि सेंटर क्या है, वो है या नहीं है। वेल फिलहाल ये कुछ ऐसा दिखता है भाई मुझे। यार सच कहूँ ना, मुझे ये काइंड ऑफ लाइक मिनी बिहार जैसा दिख रहा है, पटना की आप किसी गली में चले जाओगे ऐसे दिखेंगे। और भाई एक बात यहाँ पे और नोटिस किया मैंने, ये देखो भाई साहब कितने तार हैं भाई, ये देख रहे हो तार तार हर जगह तार हैं, और बहुत ज़्यादा ही एक्चुअली हर से ज़्यादा तार हैं। सो नास्तिया कंफ्यूज हो गई थी। नास्तिया व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लाइक वायर हियर, वायर नाउ अ वायर एवरीवेयर, दिस व्हाट आई मीन लाइक यू सेड इट्स वेरी मच वायर इन रशिया, यू डोंट हैव लाइक दिस। I think it's not safe. Like you can just walk, this fall on you, and you just like and die. No, it's real. A lot of people die from this. Yeah, bhai, मुझे याद है कुछ जाकूस में ऐसे मैंने कुछ वायर देखे थे इस तरह करके, देख पा रहे कितने वायर्स हैं यहाँ पे ऐसे करके। But कोई नहीं, चलो चलते हैं। ये क्या ट्रैफिक है भाई, और how difficult it is to cross road here? What do you think? People just walk. I don't know. In India, more easy because I think car maybe more slowly, more maybe, I don't know. हाँ भाई, यहाँ पे रोड क्रॉस करना मुझे इंडिया से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगा यहाँ पे। तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं काइंड ऑफ सेंटर की तरफ। यहाँ पे नेपाल पुलिस है मेरे सामने, आईडी कार्ड ले लिया मैंने। हालांकि यहाँ पे भाई बिहारी बड़े बड़े हैं, मतलब हर जगह यहाँ पे बिहारी, क्योंकि बिहार से नेपाल का बॉर्डर लगता है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि इंडियंस आई थिंक जितना मुझे पता है कि यहाँ पे आके फुल टाइम काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब कर सकते हैं, कुछ भी अगर दुकान धंधा करना है या तो फिर कुछ ठेला ही लगाना लगा सकते हैं, क्योंकि अलाउड है। बहुत सारे जो वर्ड्स हैं भाई यहाँ पे, वो मुझे बिहारी वर्ड से काफ़ी ज़्यादा मिलते दिखे हैं। जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं दाल भात, भात मतलब होता चावल, तरकारी, तरकारी मतलब तरकारी, पानी पूरी वगैरह भी इधर मिल रहा है। तो बहुत सारे बिहारी वर्ड्स मुझे यहाँ पे देखने को मिले हैं, और सब कुछ भाई एक जगह और नोटिस की मैंने, यहाँ की जो यहाँ की, क्योंकि जो नेपाली भाषा है वो देवनागरी है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और आपको देवनागरी लिपि आपको हर जगह मिलेगी। ये देख सकते हो जैसे कि संबंधी चीरफार, यहाँ पर कॉपी गरिच, लेमिनेशन कंप्यूटर, ऑनलाइन दर्ता संबंधी संपूर्ण काम गरिच, गरिंच बेस्ट एडवर्टाइजिंग, बेस्ट एडवर्टाइजिंग। ये कैसे दांत निकाल रहे हैं ये दिखा रहा है, बस ये बोल रही है बेस्ट एडवर्टाइजिंग है। ये देखो जड़ा, यू वांट गो टू दिस डॉक्टर इफ यू सी लाइक दिस, आई डोंट वांट टू गो। ये देख लो भाई ये सब कुछ है, दांत बनाऊ ताऊ। हालांकि भाई नेपाल ना जो है लाइक आँखों के डॉक्टर के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि मैं जब बचपन में मैं सुनता था कि बिहार से लोग काफ़ी यहाँ पे आते हैं आँख बनवाने के लिए, आँख ठीक करवाने के लिए, तो बस मुझे यही एक ही यादें थी बचपन की। अच्छा नेपाल आओ तो आँख बनवा सकते हो सस्ते में, यहाँ पे आँख के डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। वैसे चलो कुछ खाते हैं थोड़ा, आपको क्योंकि भूख लगी है, थोड़ा सा खाना तो स्नैक्स टाइप कुछ खाते हैं, और फिर मैं चलते हैं दरबार की तरफ। तो भाई साहब बिहार और नेपाल में यही अंतर है कि बिहार में अल्कोहल बैन है, एक ड्राई स्टेट है, बट यहाँ पर अमृत ट्रेजर्स आपको भाई अल्कोहल की शॉप हर जगह मिल जाएगी। सो यू नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिहार एंड नेपाल, व्हाट इन बिहार अल्कोहल इज बैन, इन नेपाल नहीं है। तो इन नेपाल एवरीवेयर अल्कोहल, पुलिस का वोडका, आल्सो रशियन वोडका, यू सी टू द रुसलैंड वोडका, रशियन रुसलैंड वोडका। अच्छा यार बहुत ज़्यादा ही वायर है एक्चुअली यहाँ पे। अभी भाई डिश वगैरह का काम चलता है, देख लो कितने डिश वगैरह हैं यहाँ पे, सारे डिश टार हैं, मतलब जो घर पे केबल आती है ना 100 रुपये 200 रुपये पर महीने में आपको जो मिलता है और यही है, इसी से आती है वो। तो आई थिंक बिहार में काफ़ी पहले बंदूक सब अपनी अपनी छतरी लगाने लगे हैं, बट पहले यहाँ पे अभी तक आई थिंक ये डिश वाला भी चल रहा है, तब अपनी छतरी नहीं लगा रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है सीन। तो नास्ता यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पर थोड़ी पूजा पाठ भी कर रही है, घंटी वगैरह बजा रही है। दादा भाई बोल रही है सब घंटी बजाना है ना, बजा लो घंटी साढ़े। यहाँ पे रोड पे ही तो दादा काइंड ऑफ टेंपल है, यहाँ पे आके आशीर्वाद ले रही है। राइस
यहाँ पे भाई एक्चुअली मोमबत्ती वगैरह लगा, मोमबत्ती के लिए दिए के लिए, बट सब कुछ गंदा पड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे भाई साइड में एक चाट की दुकान मिल गई, तो यहाँ पे चाट वगैरह खा रहा था, पानी पूरी वगैरह भी है। और जिस पानी पूरी एक नहीं मिलता है यहाँ पे, एक नहीं पाँच 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 एक नहीं लास्ट प्राइस दो यार। ये चाट है, समोसे वगैरह मिल रहे। कहाँ भैया, आप बिहार से हैं क्या? बिहार में कहाँ से? आप कहाँ से? हम भी बिहार से हैं। बिहार कौन? भागलपुर, मुंगेर। मुंगेर से? हाँ। अच्छा, गया तारे सब पे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बिहारी, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बिहारी मुझे देखने को मिले हैं। पहले चलो कहीं बैठ के खाना खाते हैं, खा लेते हैं चाट पहले, ठीक है? और भाई साहब सवेरे सवेरे पानी पूरी भी खा ही लिया जाए। नास्तिया भाई ट्राई पानी पूरी, ये काफ़ी भाई बिहारी स्टाइल पानी पूरी हो गया, क्योंकि इस पानी पूरी में भाई हरा नहीं है, इसमें एक्चुअली मीट नहीं डालते हैं, तो थोड़ा इस तरह रहता है यहाँ का पानी पूरी। ये मैंने एक्चुअली घर पे ऐसे ही मिलता है, मेडिकल वगैरह पे भी, और इसके लिए एक स्वीट मिला है। स्पाइसी नहीं? नो स्पाइसी है, स्वीट। तुम ट्राई करो, स्पाइसी नहीं है। वाटर पानी लेके ही उसको उसको पानी पूरी खाना है। चलो खा लो, ये इसके प्रेमी मिला, ये खा रही है, देखो कैसे बताती है, पानी के साथ रेडी है एकदम। तो स्पाइसी, स्पाइसी कुछ ना कुछ ना बोल रही है, काफी अच्छा है, काफी स्वादिष्ट है। तो नाश्ता ट्राई कर रही है पानी पूरी। I want less salt, but tasty. Tasty? Because more halu. How I like? Because it is Bihari style one. Bihari pani puri best. Da? Yeah. Where is the best pani puri you eat in India? In my home. Okay, apart from your home. First my home, second your home. I don't know if you buy, but it was your home. Third Patna. Patna? Yeah. चलो भाई साहब, अब मैं भी थोड़ा पानी पूरी ट्राई कर लूँ, नेपाली बिहारी पानी पूरी। थोड़ा पानी डाला जाए भर भर के। तो भाई साहब पानी पूरी खा के अब निकल रहे हैं, काफी अच्छा था पानी पूरी। नाश्ता पानी पूरी वाज नाइस, अच्छा, काफी अच्छा, काफी टेस्टी पानी पूरी था। टेस्ट पानी पूरी अच्छा, काफी अच्छा, या काफी पानी पूरी टेस्टी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा था भाई। और हम लोग अभी जा रहे हैं इस तरफ से, ये कुछ ऐसा रास्ता है भाई ना, ये नाश्ते को ये रोड काफी पसंद आया था, क्योंकि ये बोली थी काफी, देखो पुराने पुराने घर है, और ये देखो भाई एक स्टेट के साथ ड्रैगन बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला देखो अगर आपको दिख रहा होगा, तो पुराने पुराने घर है यहाँ पे, मकान है, और वायर एक एक मिलियन वायर भाई। अगर आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये देखो, जरा ये भी देखो भाई साहब कितना है सब कुछ, ये कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे नाश्ते फोटो वगैरह खिंचवा रही थी, ये टेंपल है भाई, टेंपल आए थे घंटे बजा देते हैं, काफ़ी ट्रैफिक है भाई साहब यहाँ पे। तो भाई साहब ये इस तरफ से छोटी छोटी गलियों के रास्ते हम लोग जा रहे हैं, और कुछ छोटे पुराने बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं, इस तरफ है उस तरफ पुराने बिल्डिंग्स हैं, और कुछ ये टूरिस्ट अट्रैक्शन वगैरह है यहाँ पे। और मेरे सामने ही दरबार आ जाता है, दरबार काइंड ऑफ चौक है वो, यहाँ पे मास्क वगैरह है भाई साहब, अलग अलग तरीके के मास्क। ये भाई साहब हारमोनियम बजा रहे हैं अंदर। पैसा नहीं, जान बजे नहीं, नहीं जान बजे सुर, पैसा नहीं। चलो नाज, ये सब लोगों को बोल रही है मैं गरीब, एक पता नहीं वर्ड कहाँ सीख लिया इसने, एक्चुअली ये गैसी वर्ड सीखा है जब मैं ईरान में गरीब गरीब बोल रहा था, गरीब मैं गरीब। भैया चाट है क्या आपके पास? कितने का चाट है? 70 रुपए का, इंडियन रुपीज या लोकल रुपीज? नेपाली तो इंडियन, दोनों ले लेते हो। बिहार से लग रहे भाई, कहाँ बिहार से हो ना? बिहार में कहाँ से? औरंगाबाद, सही है। भोजपुरी आती है? अच्छा अच्छा सही है भाई, मैं बिहार से हूँ, बिहार में मुंगेर से। हाँ यहाँ वीडियो वगैरह देखने के आया था। एक चाट खिलाना फिर नास्तिया, चाट को जिस रही तो बिहारी टेस्टी चाट, चाट समोसा चाट आप ये दा, इसने बोल रहे जैसे तुमने खाया वापस से खा रहे आए। आई डोंट एवरी डे आई डोंट गेट बिहारी फूड, अंडरस्टैंड, मतलब बिहारी फूड
We go to Bihar after Nepal. We go to Bihar after Nepal. चलो थोड़ा चाट खा लेते हैं भाई साहब यहाँ से। तो भाई साहब मुझे उतना समझ में नहीं आया, हम लोग दिल के लिए दरबार पे आ चुके हैं, बट हम लोग जब आ रहे थे वहाँ पे लिखा हुआ था कि आई थिंक 100 रुपये लिखा हुआ था, जो कि सार कंट्री जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश वगैरह हो गया, जो सार कंट्रीज के लिए 100 रुपये हैं और जो फॉरनर्स हैं उसके लिए 1000 रुपये दरबार आने के लिए, इस स्क्वायर पहनने के लिए। मुझे लगता है पता नहीं, सिर्फ स्क्वायर पहनने के लिए 1000 रुपये वो मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। हालांकि ये है काइंड ऑफ स्क्वायर, हालांकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का चल रहा है काम, पहले यहाँ पे कुछ था, अभी तो चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, और यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया है। चाय वगैरह कहीं पे मिलता है, यहाँ पे चाय पीता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो भाई साहब इस वक्त मैं हूँ चौराहे पर और आपको जरा दिखाता हूँ कि इस चौराहे से एक तरफ मुझे कहीं जापान लग रहा है, एक तरफ कहीं मुझे यूरोप लग रहा है, एक तरफ कहीं मुझे इंडिया लग रहा है, कहीं मुझे नेपाल लग रहा है। तो चलो भाई इधर से देखते हैं, इधर देखो किस तरह की मेन टेम्पल्स वगैरह हैं। एंड इधर से भाई देखने वहाँ बैठा हुआ था, मुझे लगा यार ये तो मतलब ये लग ही नहीं रहा कि ये नेपाल की ऐसी बिल्डिंग है, थोड़ा सीपी टाइप का है, बट यार सीपी में भी इस तरह की बिल्डिंग नहीं है, ये मुझे रशिया नाश्ता बोलती है तो सेंट पीटर्सबर्ग लग रहा है। इधर कहीं देखने पर लग रहा था कि जापान आ रखो आप, ऐसा कुछ दिख रहा है जापान वाले बिल्डिंग, और इस तरफ नॉर्मल बिल्डिंग, और भाई इस तरफ अगर निकलोगे तो ये टूटी फूटी संस्कृत विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, ये कुछ ऐसी दिखती है। और ये काइंड ऑफ एक मार्केट भी है, लोकल मार्केट, जहाँ पे नाश्ते कोई शॉपिंग कर रही है। नाश्ते बटर भी बाइंग, पैसा नहीं ब्यूटीफुल, यस ब्यूटीफुल नेपाल ये है भाई साहब। और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बिक रही है, यहाँ पे थोड़ा सा ये बाज़ार है, मोस्टली मुझे लगता है टूरिस्टों के लिए बाज़ार है, लोकल लोग क्यों खरीदेंगे ये सब चीज़ें, ये बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और सारे के सारे प्लेसेस में लाइक लोकल लोग तो नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ टूरिस्ट ही दिख रहे हैं, कोई खरीदने वाला कुछ नहीं है। व्हाट हैपेंड नासिर, व्हाट डू यू मीन, एता मीन आई डोंट नो, एता ओम आई नो, ओम। तो भाई साहब ये काइंड ऑफ मार्केट है, जरा दिखा दूँ आपको, सारी चीज़ें मिल रही है, नेपाली चाकू भाई साहब, मैंने पूछा कितनी प्राइसेस हैं इसकी, तो उसने कहा 1000 लोकल करेंसी, इंडियन रुपये 6-6.5 से पड़ेंगे। ये है भाई पूरा लाइक बाजार है, कुछ कुछ चीज़ें जो लोकल्स को खरीदते हैं। कौन है ये जायसवाल जी, चलो पता नहीं, लोग अच्छी यहाँ पे हिंदी बात करते हैं और मोस्टली लाइक बिहारी हिंदी मुझे लगता है, तो बिहारी से यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, मैं आपको बताया वीडियो में। और ये भाई टेम्पल है भाई यहाँ पे, और टेम्पल के सामने यहाँ पे नेपाल का झंडा वगैरह बिक रहा है। और ये भाई पूरा एकदम लाइक ये सारा हैंडीक्राफ्ट मार्केट है, ये पूरे इस एरिया में काफ़ी सुंदर दिख रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है ये हैंडीक्राफ्ट मार्केट पे। तो भाई साहब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैसे वगैरह लगते हैं 1500, जरा आपको जूम करके दिखाता हूँ, एक्चुअली ये सार कंट्रीज के लिए 150 है और अदर कंट्रीज के लिए 1000 लोकल करेंसी है। और ये चाइना है, चाइना भाई साहब ने जरा पैसे दिए हैं इसको रिस्टोर वगैरह करने के लिए, या तो फिर जो भी है चाइना भाई साहब ने इसमें पैसे लगाए हैं, इतना मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह मिल रहा है और ये कुछ ऐसा नज़ारा है, और ये काइंड ऑफ वॉकिंग स्ट्रीट है, चलो इस स्ट्रीट पे चलते हैं। तो भाई साहब अभी तक इस स्ट्रीट पे हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पे खाने पीने को अच्छी खासी चीज़ें मिल जाएगी, इधर मोमोज है, ATM है भाई, बट यार हर प्रत्येक ATM यहाँ पे पैसा चार्ज करता है यार, फिर क्या कोई ATM यहाँ पर है भी नहीं। कट्टी रोल, मतलब मेरा पेट भरा, बट खाने को मतलब मुझे नेपाल का जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो लगा है खाना, यहाँ का खाना मुझे बिल्कुल पसंद आया है, पूरा एकदम खा ही रहता हूँ हर सके। ओह कुछ ज़्यादा भी खा लिया, फिर मैंने चाट वगैरह खाया, नेपाल नहीं काइंड ऑफ बिहारी खाना ही बोल लो। DS फूड कैफ़े, इस तरह भी कैफ़े है, वेलकम पसीना हाउस, नास्तिया ने भी स्पार्कल्स, नास्तिया बहुत हैपन, यू पुट स्पार्कल्स एंड समथिंग यू क्राई द बिकॉज़ लाइक लाइक वाटर मे बी या चुट लुक वाटर कैन आई हेल्प यू कैन ही हेल्प यू। लोगों को लग रहा यार ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी है ना, ये भी लेता है पैसे, जनरली इंडिया वगैरह में पैसे चार्ज नहीं करता कोई, बट यहाँ पे भाई प्रत्येक ATM आपका पैसे चार्ज करेगा। मैंने सारे फ्रॉम यस्टरडे नास्तिया वी एंड वी बोथ आर चेकिंग ऑल ATM द एंड एवरी ATM चार्ज मनी, वी कैन बाय जस्ट फॉर दिस मनी। भाई 500 रुपये चार्ज कर रहे हैं भाई ATM, 500 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता है। ये 10 तरफ जा रहे हैं हम लोग, बबल टी है, बबल टी, और एक यहाँ पे कहीं मोमोज का स्टोर था, गॉड ब्लेस, ये जूस अड्डा, यहाँ भी कुछ पानी पूरी और वगैरह NIBLT, यहाँ पे मैंने ट्राई किया ऑलरेडी, यहाँ भी पैसे चार्ज कर रहे हैं। जूस जंगल फेमस मोगो मोमोज, सॉरी मोमो मोमो, मैंने आई थिंक जितना मुझे समझ आ रहा है कि मोमो नेपाल से ही आया है, एक्चुअली नेपाली फूड ही लग रहा है मुझे मोमोज, यहाँ भी हर जगह आपको मोमो मोमो मिल जाएंगे। Nastya, you like momo? No, like Russian almost. Like Russian? A little spicy, yeah.
नेक्स्ट डोर बाय लोकल लोकल ओके ये सारा सब कुछ है यहाँ पे। चलो अब चलते हैं टेम्पल के अंदर। तो भाई साहब मैं अभी यहाँ पर आया था, ये एक्चुअली मुझे पहली बार, मुझे पता भी नहीं था कैसा कुछ चीज़ें नेपाल में एग्जिस्ट करती है। ये काइंड ऑफ चौड़ा है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और चाय वगैरह मिल रही है यहाँ पे काइंड ऑफ। बट जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक कुमारी है, कुमारी का भाई मतलब यहाँ पे गॉड होता है, तो यहाँ पे कुमारी नाम का कोई गॉड है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने पता किया, हसरी हाय क्या हाल है सब ठीक है? वो देख के मुझे हंसी जा रही थी, मुझे लगा क्या हो गया। तो यहाँ पे कुमारी गॉड है मतलब गॉड, मुझे लगा कि फिर किसी ने बताया कि यहाँ पे गॉड है, दुर्गा जी का अवतार है। मैंने कहा यार ऐसा मुझे पता भी नहीं है। तो फिर मैं अंदर गया तो फिर एक बच्ची थी, उसको उसने कहा दुर्गा जी के अवतार हैं। तो मुझे लाइक नास्तिक को तो शौक हो गया कि सच में ऐसा है, मैं क्योंकि अब रशिया वगैरह में लोग इतने रिलीजियस होते नहीं हैं, ये खुद रिलीजियस नहीं है। सोवियत ने तो यही काम किया है रिलीजन को ख़त्म करना, तो रशिया में उतना रिलीजियस लोग नहीं, इसके फैमिली में कोई रिलीजियस नहीं है। इसके लिए बहुत शॉकिंग थी कि एक बच्ची कैसे अवतार है, एक बच्ची कैसे ही दुर्गा का अवतार है, दुर्गा गॉड का अवतार है वगैरह वगैरह। बट मुझे समझ में आया चलो ठीक है, एक्चुअली हमारे यहाँ भी होता है किसी दुर्गा पूजा वगैरह में भी आठवें दिन जो छोटी 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 बच्चियाँ होती हैं उनसे हम उसे गॉड मानते हैं। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही है। बट उन्होंने कहा अवतार है एक्चुअली दुर्गा का, और यहाँ पर ये रहती है और उसका घर है कुमारी, उसे कहते हैं कुमारी, कुमारी हाउस, कुमारी घर, कुमारी घर। तो नास्तिया ने मुझे एक बात बताई यहाँ पे कि यहाँ पे मैं जा रहा था, उसने कहा देखो यहाँ पे कुमारी बेकरी है, बुद्धा कैफ़े है, बुद्धा कुछ है, तुमने कभी देखा है रूस में ये लिखा हुआ है, व्हाट इज़ इट, जीसस 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 बेकरी था, बेकरी फ्रॉम जीसस, जीसस बेकरी, जीसस कैफ़े, आई नेवर सी इट, तो जीसस जीसस जो भी है। तो उसने उसने मिला कि मैंने रशिया में ऐसा कभी नहीं देखा कि गॉड के नाम पर कुछ कैफ़े और बेकरी वगैरह यहाँ पर तो है। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। ये गांधी बैठक हॉल एंड गैदर इज ओपन फॉर विजिटर्स, ये काइंड ऑफ एक कुछ हॉल वगैरह दिख रहा है, एक्चुअली उसी बिल्डिंग का ये पार्ट है, काफ़ी मस्त दिख रहा है भाई ये बिल्डिंग। और भाई साहब ऑल्सो कुमारी आई थी, वो जो जो आई थिंक 8 or 9 ईयर्स की वो ओल्ड लड़की है जिसको दुर्गा जी का अवतार बताया जा रहा है, उसकी फ़ोटो लेना मना था तो किसी ने फ़ोटो वगैरह नहीं ली, आई और सबने उसको प्रणाम किया। ऊपर ही थी एक्चुअली, ऊपर ही थी और हम लोग नीचे थे, तो ऊपर थी आई, दो मिनट के लिए आई होगी, देखा और ऐसे करके हाथ थी और फिर वो चली गई। तो हम लोग यही है और इस तरह को टेम्पल्स देखे जा रहे हैं, अलग अलग टाइप के भाई यहाँ पे टेम्पल्स हैं, न्यू आई थिंक। अब अंधेरा हो रखा है तो हम लोग घर की तरफ धीरे धीरे निकल रहे हैं और यहाँ पर आरती वगैरह चल रही है। भाई साहब संध्या का समय है, अब संध्या आरती चल रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर काली माँ की लग रहा है तस्वीर है, यहाँ पर काली माँ की मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पर कुछ आरती वगैरह चल रहे हैं। तो भाई साहब मेरे सामने भी एक टेम्पल है, हालांकि सोच रहा हूँ कि आपको मैं एक टेम्पल का टूर दूँ यहाँ पर, मे बी आई डोंट नो कल या परसों, मैं दो दिनों तक यहाँ पर रहूँ, तो कल या परसों आपको टेम्पल का टूर देने वाला हूँ यहाँ पे, नेपाल के टेम्पल का टूर। मे बी यहाँ पे एक पशुपतिनाथ जी का मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस है, तो वो भी जाकर देखना है, अब तक गया नहीं हूँ। आज तो भाई लेट सोके उठा, हो सके कल जल्दी सोके उठूँगा और थोड़ा देखूँगा। ये सारे कुछ बाजार है यहाँ पे, एक वीडियो तो मैं बाजार की बनाऊँगा यहाँ पे, फाइंड करता हूँ अच्छा बाजार कौन सा है, एक वीडियो बाजार की बनाऊँगा यहाँ पे। तो वेल अभी चलता हूँ अपने घर की तरफ मैं।